दोस्तों, अगर आप जियो सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करना चाहते हो आपका एलईडी टीवी के साथ, तो इसे कैसे कनेक्ट करेंगे यही जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का कंप्लीट एंड तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने एक बीपीएल एलईडी टीवी लिया हुआ है और इसके साथ में जियो का सेट टॉप बॉक्स लिया हुआ है। जियो का सेट टॉप बॉक्स अगर आप यूज़ करते हो, इसमें आपका डिश एंटीना का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए, मेरा वो सेट टॉप बॉक्स जो कि इंटरनेट से चलता है, फाइबर लाइन से चलता है जियो का, तो ये वो सेट टॉप बॉक्स है। और इसे आप कैसे कनेक्ट करेंगे आपका एलईडी टीवी के साथ यही जानेंगे। यहाँ पे देखिए, वो सारे कनेक्शन यहाँ पे आपको देख लीजिए। ये इसमें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल का कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे आपको इंटरनेट वाला केबल को यहाँ डाल देना है आपका, और बाकी का देखिए कहाँ पर HDMI पोर्ट से अगर कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर HDMI पोर्ट मिलेगा, जो कि ये इंटरनेट का केबल यहाँ पर डाल देना है आपने। और बाकी चलिए HDMI पोर्ट को भी यहाँ डाल देते हैं हम। HDMI जैक को यहाँ डाल देंगे। इसमें डालने के बाद एक चीज़ और देखें, देखिए मेरा ये HDMI केबल को कनेक्ट कर रखा है अपना टीवी के साथ HDMI पे। तो अब HDMI का जो अपोजिट साइड है ना, ये देखिए टीवी के साथ कनेक्ट कर रखा है मैंने, और यहाँ से मैं HDMI को यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, आपका जियो सेट टॉप बॉक्स अब एक साइड में कनेक्ट करने की। एक चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, HDMI 1 पे कनेक्ट कर दो तो आपको HDMI 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा, HDMI 2 पे कनेक्ट किया तो HDMI 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने HDMI जैक को कनेक्ट कर लिया, और ये पावर एडप्टर है जो अपना सेटअप बॉक्स को पावर सप्लाई देगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे कनेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है, पावर सप्लाई देता हूँ अपना टीवी एंड सेटअप बॉक्स को दोनों का पावर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये टीवी का है तो इसे कनेक्ट कर लेता हूँ अपना मल्टीप्लग के साथ, और यहाँ पे ये एडप्टर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पावर प्लग पर इसे पावर दे देना है। यहाँ से एक बार पावर प्लग पे मैं पावर दे देता हूँ, या फिर दोनों मेरा सेट टॉप बॉक्स एंड टीवी दोनों ऑन हो चुका है। अभी चलिए टीवी स्क्रीन पे जाके देखिए, दोनों ही आपको ऑन करके रखना है। अभी यहाँ से हम टीवी स्क्रीन के ओर मूव करेंगे, टीवी स्क्रीन पे अभी बाकी का काम करना है। यहाँ से देखो मेरा लाइन आ चुका है सेट टॉप बॉक्स में। अभी टीवी स्क्रीन पे जाके मुझे HDMI 1 पे सिलेक्ट किया तो 1 ही सिलेक्ट करना है मुझे, कनेक्ट किया है तो यहाँ से देखिए मेरा टीवी को अभी टर्न ऑन करना है। यहाँ से रिमोट से टीवी को टर्न ऑन करना है, और यहाँ से मुझे HDMI सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने HDMI 1 पे अगर कनेक्ट किया तो 1 सिलेक्ट करना है, 2 पे कनेक्ट किया तो 2 सिलेक्ट करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि HDMI सोर्स से ये कनेक्टेड होगा। यहाँ से देखो मेरा पिक्चर्स आने लगा है, फिर भी मैं यहाँ से HDMI कनेक्ट करके दिखाऊंगा रिमोट से। तो चलिए मैं एक बार सोर्स को निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये HDMI है जो यहाँ से मैं HDMI 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेरा टीवी स्क्रीन आने लगेगा। तो दोस्तों बस इतना सा ही है कनेक्शन करना। तो ऐसे करके आप भी अपना सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हो, जियो का सेट टॉप बॉक्स को अपना टीवी के साथ। तो मेरा नाम था संजय। दोस्तों आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।